हाय गाइस, तो आज हम करने वाले हैं ना, पहले तो मैं बहुत सोच रही थी, फिर नहीं एक आइडिया आया ये करने का कि नागिन वाले में तेजस्वी प्रकाश का मैंने एक भी लुक कभी ट्राई नहीं किया। चलो करते हैं, बहुत ही इजी सा लुक है इसको ना, ब्राइडल मेकअप तो बोल ही नहीं सकते। लाइक ब्राइडल सिर्फ लुक दिया हुआ है, मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सटल सा है। इसको आप मतलब सटल वेडिंग गेस्ट मेकअप भी बोल सकते हो, इजीली आप इसको वेडिंग गेस्ट मेकअप के तौर पे करके जा सकते हो। तो बहुत ही ईजी सा आई मेकअप था और बेस भी था। तो मैं यहाँ पे स्किन केयर जो मेरे 3 स्टेप्स से वो करने वाले हो, टोनर लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद 5-5 मिनट का आपको वेट करना है, हर चीज़ ऑब्जर्व होने देनी है। आप इकट्ठा सब लगा लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, वो अच्छे से वर्क करेंगे आपके फेस में। तो प्राइमर भी लगा लिया है लगभग फेस में मेरे, हो चुका है अच्छे तरीके से मेरा स्किन केयर डन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर मैं करूँगी थोड़ा सा कलर करेक्टर के रूप में कंसीलर। उस कलर करेक्टर पैलेट में से ये कंसीलर वाला शेड लिया है, तो मैंने इसी को ऐसे लगा लिया है, इससे भी काफ़ी अच्छा कवरेज मुझे मिल गया स्पॉट्स को हाइड करने के लिए। तो हम कंसीलर समझ लो हम पहले ही लगा ले रहे हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आपको कर देना है ब्लेंड, मतलब ये एक तरीके से कलर करेक्टर का भी काम कर रहा है। उसके ऊपर हम अपने शेड का फाउंडेशन लगा के उसको इजीली हम हाइड कर सकते हैं। आईब्रोज को शेप देने के बाद उसको जो कंसीलर होता है उससे हमें शार्प कर देना है, ताकि आईब्रोज नीट एंड क्लीन लगे। उसके बाद शुगर पॉप का ये फाउंडेशन है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वाला फाउंडेशन, बट ख़त्म करना है, खरीदा था तो फिर भी इसमें लगा रही हूँ। यहाँ पर इसको जैसे आपने लगाया फेस में तुरंत ब्लेंड कर लो, अदरवाइज ये चिपक जाता है, ब्लेंड नहीं होता सही से। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको लगा के फेस में जल्दी जल्दी आपको ब्लेंड करना है, हाथ चलाना है, अदरवाइज से सूख जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ने कॉन्टोर किया है नोज़ को एंड चिक बोन के नीचे, चिक्स को थोड़ा थोड़ा कट दिया हुआ है, तो नोज़ का भी कर लिया। उसको आपको ब्लेंड कर देना है अच्छे से, नोज़ का भी हो गया, चिक्स भी, पाउडर से आपको भी इसको सेट कर देना है। और जो कॉन्टोर और चिक्स जो हमारा ब्लश वाला एरिया है उसको आपको छोड़ के पाउडर को सेट करना है। बहुत ही अच्छा लुक आता है मेकअप का, आप देखते होंगे मेकअप आर्टिस्ट को, तो वो जो एरिया होता है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शाइनी रहती है ना, तो वैसा ही लुक आता है ऐसे में। उसके बाद आईब्रो को मैंने फिल किया हुआ है, थोड़ी सी पतली रखनी है और फील करना है, थोड़ा सा लाइट जो ब्लैक शेड होता है ना वो वाला यूज़ किया, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए बालों से, तो बिल्कुल भी डार्क नहीं होना चाहिए आईब्रोज। उसके बाद पीच कलर का आई शेडो पैलेट से मैंने पीच कलर लिया है, आई शेडो पैलेट में से थोड़ा सा शिमरी है बट ठीक है। इसको अच्छे तरीके से अपने पूरे लिड पर लगाना है, पूरा ऑल ओवर फेस आई का शेडो आपको कवर करना है, आई का शेडो। उसके बाद एक वाइट शिमरी शेड लिया, उसको मैंने आई बॉल के ऊपर लगाया, जहाँ हमारी आई बॉल होती है सेंटर पे, वहाँ पे आपको शिमर शेड अप्लाई करना है। उसके बाद लाइनर लगाना है, बस डिफाइन करना है हल्का सा, थोड़ा सा मोटा, और विंग तो बिल्कुल भी नहीं निकाली, एकदम थोड़ी सी की वहाँ तक एंड किया हुआ है मैंने बस। उसको विंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि विंग होती तो वो ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, तो विंग नहीं निकालना है, सिर्फ हमको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है अपने लाइनर को। उसके बाद ना लोअर लैशेस पे भी एक ब्राउन शेड लेके मैंने उसे लाइन कर दिया हुआ, ताकि थोड़ी सी फुलर लगे नीचे से आँखें। और मैंने वाइट कलर का काजल यूज़ किया है, तो वाइट कलर का काजल से थोड़ी सी बड़ी बड़ी आँखें दिखती है, एंड फोटो में भी मुझे वाइट कलर का काजल दिख रहा था, और ब्लैक दिखता है ना तो वो अलग ही शो दिखता है, लेकिन वाइट था तो वो अलग ही दिख रहा था। तो मैंने वाइट लगाया और ये लैशेस लगाए हुई है, थोड़ी सी नॉर्मल वाली, इतनी हैवी लैशेस नहीं लगाई है मैंने, बहुत ही नॉर्मल सी, ताकि वो और एंडिंग में लगाया ज़्यादा, ताकि वो एंडिंग में थोड़ी उठी उठी लैशेस दिखी तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ब्लश लगाना है, जो एरिया हमने छोड़ा था ब्लश और कॉन्टोर के लिए उसी जगह पे। उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर से कर लिया अपने मेकअप को फिक्स, और लिपस्टिक के लिए एकदम चटक सा रेड चाहिए था, तो आधे में रेड लगाया है और आधे में थोड़ा सा ऑरेंज ही ऐड किया है, सो दैट कि वो एकदम चटक वाला रेड कलर निकल कर आए। तो ये हो गया, उसके बाद देखो रेड कलर कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको हाईलाइटर लगाना है, तो स्किन को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मेकअप करने के बाद जो हाईलाइट करने का मज़ा आता है ना, सबसे इजी स्टेप तो यही होती है। तो ये कुछ फाइनल सा लुक, बिंदी लगाइए और थोड़ी सी ज्वेलरी सेम नहीं थी बट माथा पट्टी मैंने सेम ही अरेंज करी है, और इयररिंग थोड़ी सी लंबी हो गई थी बट ठीक, मेरे कान के छेद थोड़े बड़े हो गए ना इसलिए।
नेक पीस वैसा सेम नहीं था, बैंगल वेयर करी हुई है, और ये नथ मेरे पास दूसरी थी, मैंने इसका जो नथ की चेन जाती है उसको तोड़ कर निकाल कर जंप रिंग से दूसरा अटैच कर लिया है। इतनी ज़्यादा जुगाड़ करती हूँ, तो मेरी हर एक ज्वेलरी जुगाड़ से यहाँ पर होती है। लाइक कुछ कुछ सिमिलर पार्ट्स होते हैं तो उसमें से हटा के कुछ और पार्ट्स ऐड कर देती हूँ। सर पर जो लगाया है वो भी जुगाड़, सब कुछ जुगाड़ से यहाँ पर किया हुआ है ताकि लुक काफ़ी हद तक सिमिलर लगे। ओके, तो वीडियो पसंद आती है तो बता देंगे क्या करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। बाय।